नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे 3i इन्फोटेक, बेला टायर्स, जेनिथ हेल्थ केयर, बायोफिल केमिकल, कीर्ति न्यूट्रिएंट्स, डेन नेटवर्क, ट्रीडेंट, IRFC IPO और इंडिगो पेंट IPO के बारे में। तो सबसे पहले है 3i इन्फोटेक में आज देखते हैं, आज कोई सर्किट नहीं लगा, आज नॉर्मल रूप से ट्रेडिंग हुआ और प्राइस जहां ओपन हुआ था वहीं पर क्लोज हो गया। तो काफ़ी मतलब अच्छा बात है क्योंकि मार्केट का जो प्रेशर था वो इस स्टॉक में सर्किट को ओपन कर देने देते हैं। शुरुआत में मॉर्निंग में इसमें सर्किट लग चुका था ऊपर का सर्किट, लेकिन आज मार्केट में करेक्शन था, मार्केट थोड़ी गिरावट थी, उसके कारण प्रॉफिट बुकिंग देखने मिला और अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट बुक हुआ और प्राइस वहीं क्लोज हुआ जहां कल ओपन हुआ था। दोस्तों अगर आपने इसमें इन्वेस्ट नहीं किया तो नीचे आता है प्राइस तो आप छोटे क्वांटिटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह के जो छोटे स्टॉक है उसमें छोटे क्वांटिटी ही आप इन्वेस्ट करेंगे, कभी भी बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट ना करें ऐसे शेयर में। आपको मैं अपने चैनल पर काफी सारे अच्छे शेयर्स बताते रहता हूं, जैसे गिरावट आ रहा है अब करेक्शन आता है, तो करेक्शन जैसे अच्छा खासा अगर 2000 पॉइंट का मार्केट में होता है तो आपको नीचे के प्राइस पर जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है जो कि आपको मैं बताते रहता हूं, बैंकिंग सेक्टर में कौन से अच्छे स्टॉक है, आईटी सेक्टर में कौन से है, फार्मा सेक्टर में कौन है, तो उन स्टॉक्स में आपको गिरावट में बाय करना है ज्यादातर स्टॉक, और कुछ जो आपका अमाउंट है वो आपको पैनी शेयर्स में लगाना है। तो पैनी शेयर्स में छोटे अमाउंट लगाना है और बड़ा अमाउंट हमेशा फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक है उसी में इन्वेस्ट करनी है। अगला है हमारा बिरला टायर्स, ये भी काफी मतलब न्यूज में रहता है, काफी सारे रिटेल इन्वेस्टर का पसंदीदा शेयर है क्योंकि ऑपरेटर्स जो इसके प्राइस को ऊपर ले जाते हैं फिर ऑपरेटर्स इसके प्राइस को नीचे ले जाते हैं, तो इसमें जो भी ऊपर ट्रैप होते हैं वो फिर चैनल पर काफी सारे कमेंट करते हैं, सर मैंने 1000 शेयर जो है 43 रुपीज पे बाय कर लिया, क्या करें इसमें। तो दोस्तों अभी देखते हैं धीरे धीरे प्राइस करेक्ट होकर के नीचे आ रहा है, तो नीचे के प्राइस पे आप छोटा क्वांटिटी बाय करें, ऐसा नहीं कि 1000 शेयर बाय कर लिए आप उतना अमाउंट इस स्टॉक में मत इन्वेस्ट करिए। कंपनी जो फंडामेंटली स्ट्रांग है वही आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न देगा, ऐसे छोटे छोटे स्टॉक में आपको छोटे अमाउंट इन्वेस्ट करना है और छोटे अमाउंट इन्वेस्ट करके बस आप अगर इसमें अच्छा रिटर्न कमा लेते हैं तो फिर जो आपको रिटर्न मिला वही छोटे छोटे स्टॉक में फिर जो 5-10 स्टॉक होगा छोटे छोटे उसमें डिवाइड करके लगाएंगे, इस तरह से स्ट्रेटेजी होना चाहिए, तो आप छोटे स्टॉक में भी अच्छा खासा अर्न करेंगे। लेकिन छोटे अमाउंट में एक में ही ज़्यादा अमाउंट लगा देते हैं और वो स्टॉक आपका लक बाय चांस अच्छा परफॉर्म नहीं करता है और वो लोअर सर्किट लगने लगा तो फिर आपका जो पूरा का पूरा कैपिटल है वो साफ हो सकता है, इसलिए हमेशा सतर्क रहें और छोटे स्टॉक में छोटे अमाउंट ही इन्वेस्ट करें। अगला स्टॉक है हमारा जेनिथ हेल्थ केयर, ये भी स्टॉक्स काफ़ी न्यूज में है, काफ़ी सारे रिटेल इन्वेस्टर इसमें भी कहते हैं कि क्या हम इसमें बाय कर लें, इतना शेयर बाय कर लें, क्या करें इसमें, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें या क्या करें। तो दोस्तों देखते हैं इस तरह के जो छोटे स्टॉक ऐसे ये फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है क्योंकि ये कंपनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, मात्र 80 पैसा का हुआ करता था और यहाँ से देखते हैं ये लगभग 1600% का रिटर्न दे चुका है और ये लोअर सर्किट अब आप इतना ऊपर जाने के बाद स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे तो फिर तो आप ट्रैप होंगे ही, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होगा, काफ़ी लोग प्रॉफिट बुक करेंगे जो अच्छा खासा रिटर्न अर्न कर चुके हैं, तो आप यहाँ पर जो है थोड़ा सतर्क हो जाएं। कंपनी जैसे शेयर प्राइस नीचे आता है और नॉर्मल रूप से ट्रेड होने लगता है, कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो नॉर्मल रूप से ट्रेड होना चाहिए तो इन्वेस्ट करने में मज़ा होता है, उस समय इन्वेस्ट करेंगे तो वहाँ से जब वो अपर सर्किट लगाएगा तब आपका जो मतलब बाइंग होगा वो लेवल अच्छा होगा। तो जैसे ये प्राइस नीचे आता है फिर कहीं पर नॉर्मल रूप से जैसे यहाँ देखते हैं ये सब नॉर्मल रूप से यहाँ पर ट्रेड हो रहा था स्टॉक, तो इस जगह इन्वेस्ट करने का था और जब ये अपर सर्किट में जाने लगा तब ट्राई मत करें, फिर आप अपना पहले से इन्वेस्ट करें, जब ऊपर जाने लगा प्रॉफिट को एंजॉय करें। उसके बाद अगला स्टॉक है हमारा बायोफिल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स, ये स्टॉक तो काफ़ी मतलब अच्छा रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर को जो भी यहाँ पर इन्वेस्ट किए थे, लेकिन अब जो ऊपर ट्रैप हुए हैं तो बताइए उनका क्या हाल है, वो प्राइस कभी आएगा या नहीं आएगा ये भी कोई नहीं कह सकता। ये देखते हैं मात्र ये स्टॉक जो था मार्च में 7-8 रुपीज का था, वहाँ से ये जर्नी किया 360 रुपीज का और 4000% का रिटर्न दिया मात्र मार्च से दिसंबर के बीच, मार्च महीने से दिसंबर महीने के बीच ये रिटर्न दिया कितना का 4000% से भी ऊपर का, और वहाँ से देखिए अब ये 360 रुपीज़ 350 रुपीज़ से 140 का हो चुका है, तो इतना बड़ा लॉस दिया है कई सारे इन्वेस्टर को जो यहाँ पर फंसे होंगे उनको लॉस ही लॉस है। तो दोस्तों इस तरह के स्टॉक में इसीलिए कहते हैं आपको नीचे के प्राइस पे बाय करना है और छोटे क्वांटिटी बाय करना है, इस तरह के स्टॉक को आप देखना चाहते हैं कि कितना रिटर्न देता है, क्या प्राइस किस तरह से चेंज होता है, तो आप एक दो स्टॉक बाय कर लीजिए फिर देखिए, और कभी अपॉर्चुनिटी मिलता है नीचे के लेवल पर
तो फिर आप अच्छा खासा क्वांटिटी जो है इसमें बाय कर सकते हैं। तो ये सारा स्ट्रेटेजी होना चाहिए आपको छोटे छोटे स्टॉक में। अगला है कीर्ति न्यूट्रेंट्स लिमिटेड, ये भी स्टॉक काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। ये कंपनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। इस कंपनी के वीडियो जो है कल आपको मिलेगा जिसमें डिटेल में हम इसके फंडामेंटल एनालिसिस को करेंगे। और ये कंपनी डेट फ्री कंपनी है तो इसके बारे में डिटेल में वीडियो बनाएंगे। और ये कंपनी अच्छा कंपनी है, आप इसमें चाहें तो जब ये नीचे के प्राइस लेवल पर मिलता है तो कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखते हैं, ये भी मार्च में मात्र 14 रुपीज़ में मिल रहा था, वहाँ से ये कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो जा चुका है 42.20 रुपीज़ पे अभी, और इन्वेस्टर को लगभग 200% का रिटर्न दे चुका है। तो इस तरह के जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी, ये देखिए डिविडेंड भी पे करती है, ये कंपनी का शेयर प्राइस 14 रुपीज़ में मिल रहा था। तो लॉन्ग टर्म में जब आप उसको होल्ड करेंगे तो अच्छा खासा रिटर्न प्राप्त करेंगे। इस लिस्ट में जो आपको छोटे स्टॉक में जो बेहतरीन स्टॉक एक और है Dell Network 18 इसकी पैरेंट कंपनी है। अगर उसमें मर्ज हो जाती है तो नेटवर्क 18 का शेयर आपको मिल जाएगा इस शेयर के बदले। लेकिन दोस्तों ये काफ़ी अच्छी कंपनी है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। जब से रिलायंस इसको एक्वायर किया है तो ये कंपनी एक प्रॉफिटेबल कंपनी बन चुकी है। और ये देखने उससे पहले ये मात्र 27 रुपीज़ का हुआ करता था। जब से रिलायंस इसमें स्टेक लिया तो ये कंपनी का शेयर प्राइस यहाँ से 100 रुपीज़ तक का जर्नी तय कर चुका है। तो ये देख सकते हैं 6% का गिरावट। जैसे गिरावट में मिलता है तो आपको बस अपॉर्चुनिटी का तलाश करना है और इसमें इन्वेस्ट करना है। ये काफ़ी अच्छा शेयर है क्योंकि प्रॉफिटेबल कंपनी है, कंपनी अच्छा प्रॉफिट मेक करे और साथ साथ रिलायंस ग्रुप की कंपनी है। तो आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे तो अच्छा खासा रिटर्न आपको मिलेगा। अगला है ट्रिडेंट लिमिटेड, ये भी स्टॉक्स काफ़ी न्यूज में है। ये स्टॉक तो मैंने जब 4 रुपीज़ के नीचे भी था उस समय बताया था कि आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि ये कंपनी डिविडेंड पेइंग कंपनी है। और कंपनी का शेयर प्राइस पहले 60 रुपीज़ हुआ करता था, स्टॉक स्प्लिट होने के कारण ये बहुत ही सस्ता हो गया। और इसका जो आप चार्ट देखेंगे तो चार्ट भी ठीक ठाक है, देख सकते हैं चार्ट भी अच्छा खासा है। थोड़ा सा कभी कभी इसमें वीकनेस आया है लेकिन ये ओवरऑल कंपनी का चार्ट भी काफ़ी सॉलिड है और काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर को। अगर इसमें लॉन्ग टर्म रिटर्न की बात करें तो देख सकते हैं लॉन्ग टर्म में 3000% का लगभग रिटर्न है जिन्होंने 2001 में इसमें इन्वेस्ट किया था। तो इसी तरह छोटे प्राइस वाले स्टॉक में भी जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहेंगे तभी आपको अच्छा खासा रिटर्न वहां से मिलेगा। उसके बाद आते हैं IRFC IPO के बारे में। ग्रे मार्केट का प्रीमियम डिक्रीज हो चुका है, पहले 1.60 रुपीज़ था जो कि डिक्रीज होकर 1.25 रुपीज़ और 1.30 रुपीज़ हो चुका है। तो इसलिए अभी जो है इसमें क्या होगा IPO में, लेकिन बहुत सारे आपको जो एक्सपर्ट है वो सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि लिस्टिंग गेन आपको मिलेगा लेकिन बहुत कम मिलेगा। 1 रुपीज़ 2 रुपीज़ इस तरह का लिस्टिंग गेन देखा जा रहा है कि मिल सकता है आपको। अभी प्रीमियम घट चुका है, हो सकता है फिर से प्रीमियम बढ़े। और अगर सब्सक्रिप्शन की बात करें तो फर्स्ट डे जो है 65% IPO सब्सक्राइब हुआ है। 4500 करोड़ का ये IPO है, एक बड़ा IPO है। और ये 65% फर्स्ट दिन सब्सक्राइब हो गया तो दूसरे दिन हो सकता है ये ओवर सब्सक्राइब हो जाए, या अगर न्यूज आता है कि ग्रे मार्केट का प्रीमियम डिक्रीज हो रहा है तो हो सकता है थोड़ा कम भी सब्सक्राइब हो। अगर आप चाहते हैं अप्लाई करना तो लास्ट डे अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये ओवर सब्सक्राइब होता है तो आप लास्ट डे अप्लाई कर लीजिए। अगर मार्केट में तेजी बनी रहती है तो आपको अच्छा खासा लिस्टिंग गेन मिल सकता है। अगर मार्केट में इसी तरह गिरावट देखने मिला तो फिर आपका जो लिस्टिंग गेन है वो कम हो सकता है। उसके बाद दूसरा IPO भी आ रहा है, इंडिगो पेंट IPO, ये भी 30 तारीख से ओपन होगा। ये उससे काफ़ी बेहतरीन IPO है। तो इस IPO में भी आप चाहें तो मार्केट के डायरेक्शन को देखते हुए, मार्केट का जो सेंटिमेंट होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। मार्केट का सेंटिमेंट अगर पॉजिटिव रहता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 60% से अभव है, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम पे भी लगातार आपको ध्यान रखना है। अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छा खासा रहता है 50% से अभव रहता है तो IPO में अप्लाई करने से नहीं चूकना है, क्योंकि IPO अगर आपको 50% का भी लिस्टिंग गेन देता है तो आप समझ सकते हैं मात्र 10 डेज में आपका 50% का प्रॉफिट होगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, जब आप पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपने स्टॉक मार्केट में अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप जीरोधा के साथ ओपन कर सकते हैं, एंजल ब्रोकिंग के साथ कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो एंजल ब्रोकिंग सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, काफी अच्छा मार्जिन देता है। आप हमारे लिंक से एंजल ब्रोकिंग अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, साथ ही साथ जीरोधा में चाहे तो आप उसमें कर सकते हैं। जीरोधा और एंजल दोनों में आपको 20 रुपया पर ट्रेड चार्ज लगता है और इन डिलीवरी में आपको कोई भी चार्ज नहीं लगता। कोई भी स्टॉक डिलीवरी में लेते आपको कोई भी ब्रोकरेज पे नहीं करना पड़ता है। और इंट्राडे में सिर्फ 20 रुपीज़ पर ट्रेड आपको चार्ज लगेगा।